चार साल से आ रहे, आज मिल पाए। हमारे पर्चे में ऐसा आया, पढ़े लिखे हो? पढ़े लिखे हो? अच्छा हम बताना, पूरे परिवार ने छोड़ दिया, बेटा और बेटा ने भी छोड़ दिया है, भाई ने भी छोड़ दिया है। आरोप आप पर ही लगाते हैं, रखते नहीं है ना भोजन देते हैं, स्वास्थ्य भी तुम्हारा ठीक नहीं रहता, बहुत ज्यादा विचलितता रहती, पेट में भी दिक्कत रहती है। बेटे से सामंजस्य बन जाएगा, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। कवच ले लीजिए तुम कल, इनको अभी कवच दे दो, तुम अभी कवच ले लो, जाओ। चलिए इसके बाद में जो बूढ़े दादाजी टिके हुए बैठे हैं बीमार, इनको पकड़ के भेजो। बेटा अब नहीं बुलाया, गुरुजी सीताराम, बालाजी सीताराम, सिर पर राम रामी तौलिया डाले जो खड़े हैं लास्ट में, आ जाओ, तुम्हारी अर्जी स्वीकार है। हाँ पीला कुर्ता पहने हुए जो आइए ताऊ, अब जूता ना पहनो, क्या तुम जूता मार भी है यार, ऐसे ही आ जाओ सीधे दादा, साथ में है कोई आपके, इधर आ जाए, इधर आ जाए, पहली बार आया, चार है माने चार दार हो रहे, आज 12 दिन पर रुके थे, वो आज 10 दिन में अरे जी रुके, 4 साल से आ रहे, आज मिल पाए। इतनी भीड़ में इतना भरोसा था कि हम मिलेंगे, इनके लिए ताली बजाओ अपनी दादी, बोलो क्या बात बनाया था, लड़ाई किससे हो गई तुम्हारी बुढ़ापे में? हाँ अरे दीदी ये है और कोई बात भाई, 5 मिनट भर हो गए, तबीयत में क्या हो गया? परिवार के लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो हम तो साउंड के सामने खड़े, तो हमारे पर्चे में ऐसा आया, पढ़े लिखे हो? पढ़े लिखे हो? अच्छा हम बताना, पूरे परिवार ने छोड़ दिया, बेटा और बेटा ने भी छोड़ दिया है, भाई ने भी छोड़ दिया है। आरोप आप पर ही लगाते हैं, रखते नहीं है ना भोजन देते हैं, स्वास्थ्य भी तुम्हारा ठीक नहीं रहता, बहुत ज्यादा विचलितता रहती, पेट में भी दिक्कत रहती है। बेटे से सामंजस्य बन जाएगा, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। दादा
इसमें एक मंत्र है वो पढ़ के बता देंगे। पेट में भी दिक्कत हो गई आपको, अब रुकने की जरूरत नहीं है, बीच बीच में पेशी करियो, घर पर रह सकता है। ठीक, जा बालाजी जय जयकार। मंत्र में बता दी, मंत्र पढ़ के बता दी, नियम पूरा बता दियो, इन्हें आने की जरूरत नहीं है, बता दो। आपकी पेशी हम करवाओ जय भी, ठीक, इन्हें दे दियो पर्चा। तुम कहा बूढ़े आदमी अकेले कहां आओगे, तुम इन्हें पर्चा सौंप दियो, आपके बदले में हम इनसे पेशी करवा दी जाए आशीर्वाद, ठीक तुम हो जाओ। ये बहन का कवच है, रीतवाड़ा वाली बहन। आइए ताऊ, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। भाई भाई उठ बैठो, भगवान भगवान भगवान, ऐसा मत करो मालिक, उठो उठो उठो, जूता छोड़ आए लेकिन भी कोई ले जाए जूता। ले जाने दो साहब, ले जाने दो सरकार, वाह वाह छोड़ दो भैया, पाना छोड़ दे कक्का, तेरे जवार है नजदीक आओ। कहां से आए, कहां पड़ता है? अयोध्या के पास में, यूपी में। पहली बार आए, दूसरी चक्कर, नियम पेशी कर पाएंगे? बड़ा हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। हाँ, हाथ में गोरु की लिए हुए बिटिया बैठी है बीचों बीच, हाथ में गो, हाँ आओ, साथ में है कोई बेटा, लेके आ जाओ, आ जाओ लेके। दूसरी अर्जी, राम गुरुजी सीताराम बागेश्वर धाम की। अच्छा, बच्ची लिए माता जी बैठी है यहाँ पर सामने, बच्ची लिए रेलिंग के पास में, नीला सा दुपट्टा डाला, इन्हीं को भेजना, इन्हीं को, हाँ हाँ, उनकी अर्जी स्वीकार। सीताराम बोलो, हाँ पगला, बहुत अंग्रेजी बोल रहा, टोपी लगाए जो सफेद तौलिया डाले हुए खड़ा है, आ जा, बहुत अंग्रेजी बोल रहे थे मन ही मन में, आ नका तो कौन 500 साल हो गया है भाव, अब हम खड़ा हो जाए बोलिए क्या बात है, ठीक है, आ जाओ बहना, हाँ और हाँ बेटा के बारे में बताइए और पूछो, तुमको बर्बाद कर दिया और पूछो, हम क्या जानते हैं, हलुआ और पूछो, ऐसा आया घर में एकता नहीं, सब बर्बाद हो गया, काम कोई भी पूरे नहीं होते हैं, बेटा विसंगति में फंस गया, टुच्चा गुंडा बन गया, टुच्चा गुंडा बन गया, नशा में भयंकर डूब गया,
मारने के लिए घूमता रहता है, बुद्धि आत्महत्या करने की ओर चलती चली जा रही है। बेटा का नशा छूटेगा, संगत कम होगी, बालाजी उसे दरबार बुलाएंगे, आशीर्वाद है। यही बात है, हाँ यही बात है। जाओ बालाजी, उसका फोटो लाए हो, हैं? ले आई हो मेरी बात। कोई भी तंत्र विद्या इसके ऊपर नहीं है, अघोरी भी नहीं है। जिसने भी ये बताया कि अघोरी है, गलत है। कोई तंत्र नहीं, हमने दोनों तीनों प्रकार से देख लिया, ना पूर्वज हैरान कर रहे, ना कुल देवता, ना तंत्र। इसमें एक मंत्र है, काली माता का मंत्र है, नीचे लिखा हुआ। वैसे भी पप्पा से बड़ा कोई देवता होता भी नहीं। जाओ सीताराम।